कोतवाली पुलिस ने अधिवक्ता राधा किशोर कौशिक को एक सराफा से 10 लाख रुपए की चौथ मांगने के मामले में गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया था। उसके दो अन्य साथी भी गिरफ्तार थे। अधिवक्ता की जमानत अर्जी को पहले दिन कोर्ट में खारिज किया गया था। दूसरे दिन बुधवार को भी अधिवक्ता की जमानत पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अधिवक्ता की जमानत को खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे अधिवक्ता आहत हुए और उनमें आक्रोश मुखर हुआ। इसके बाद बार बोहरे कन्हैया लाल हाल ही में कार्यकारिणी और वरिष्ठ सलाहकार समिति के बैठक बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील शर्मा की इस अध्यक्षता में हुई। बार एसोसिएशन के सचिव सुनील कुमार चतुर्वेदी ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट प्रथम की अदालत में अधिवक्ता अगले आदेश तक कार्य नहीं करेंगे। जिला जज का भी सार्वजनिक बधाई समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। क्या मामला रहा, किस कारण से आज ये पूरी व्यवस्थाएं बार में हो पाई है, क्या कारण? एक्चुअली जुडिशियरी की मनमानी के चलते माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं करने, क्लाइंटों के साथ दुर्व्यवहार करने, अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने, सही से अपने प्रोफेशन के पक्ष में काम नहीं करने के चलते एक करीब 400 अधिवक्ताओं के सिग्नेचर युक्त प्रार्थना पत्र बार एसोसिएशन मथुरा को प्राप्त हुआ था, जिस प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेके माननीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश अनुसार एक कार्यकारिणी की और एल्डर कमेटी की बैठक आहूत की गई और उस बैठक में कार्यकारिणी के सभी सदस्य और वरिष्ठ सलाहकार समिति के सभी सदस्यों के सुझाव और सलाह आने के बाद ये निर्णय लिया गया कि एक दिन की सांकेतिक हड़ताल जुडिशियरी मथुरा में पनप रहे भ्रष्टाचार को लेके करेंगे और सभी अधिवक्ता न्याय के कार्य से व्रत रहेंगे और ACGM फर्स्ट दीप्ति यादव जी और CGM महोदय अंजू राजपूत जी के द्वारा ठीक से काम नहीं करने, अधिवक्ताओं के साथ गलत तरीके से बर्ताव करने, पेंडेंसी के बढ़ने, चैम्बर में बैठ के विपरीत आदेश करने, ऐसे अनोखे अनोखे काम थे जिनके चलते अधिवक्ता समुदाय में वादकारियों में न्याय नहीं मिलने के चलते रोष व्याप्त था। उस रोष को देखते हुए दोनों अदालतों का अग्रिम आदेश तक बहिष्कार कर दिया गया है और ये भी निर्णय लिया गया कि जिला जज महोदय के द्वारा अपने अधिकारियों पर अंकुश नहीं था, अधिकारी उनकी बात नहीं मानते थे, इसके चलते उनके विदाई समारोह के भी बहिष्कार करने का फैसला हमारी कार्यकारिणी में लिया गया। इसके साथ ही बहिष्कार आज भी कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है किसी भी कारण से और अचार पूर्व में भी इस प्रकार के प्रकरण रहा करते थे, प्रकाश में भी कई बार आए, आप लोगों के द्वारा भी उठाए गए, अधिवक्ताओं ने इस बारे में आवाज़ी मुखर की, परंतु अचानक ऐसा क्या कारण रहा जो एकाएक मीटिंग आई और मीटिंग के बाद में इस प्रकार का फाइनल निर्णय ले लिया गया? नहीं, अचानक मीटिंग नहीं, जब से हमने कार्यकाल हमारा शुरू हुआ, जब से हमने ये शपथ ली, तभी से इन दोनों न्यायालयों के प्रति बहुत आक्रोश था, क्योंकि आप पत्रकार बंधु भी ये जानते हैं, क्योंकि आप भी एक स्तंभ के रूप में काम करते हैं, कि यहाँ क्लाइंट और जो वादकारी आ रहे थे वो अपने आप को ठगासा महसूस कर रहे थे, क्योंकि वादकारियों के काम नहीं होने, वादकारी चक्कर काट रहा है, कोरोना की महामारी में लोगों की इनकम नहीं है, उसके बाद कचहरी आ रहा है और कचहरी आने के बाद लोगों के काम नहीं हो रहे। जब वादकारी अशाय होता है तो वो शिकायत अपने वकील से करता है और वकील जब उसकी मदद नहीं कर पाता है तो वकील पीड़ित होता है, तो बराबर इनकी शिकायत मिल रही थी। और ये अचानक नहीं, ये जो प्रार्थना पत्र आया है 2 तारीख को करीब 400 अधिवक्ताओं का सिग्नेचर होकर एक प्रार्थना पत्र बार को प्राप्त हुआ है और उसमें और भी कई जजों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। बार एसोसिएशन का जो प्रतिनिधित्व होता है, बार एसोसिएशन के जो पदाधिकारी चुने जाते हैं, उनका काम सिर्फ यही होता है, यहाँ कोई निधि नहीं है, कोई विकास कार्य हमको नहीं करने, हमारे अधिवक्ताओं की समस्या क्या है, वादकारियों का तो शोषण नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के लिए बार एसोसिएशन का गठन हुआ था और बार एसोसिएशन के पदाधिकारी चुने जाते हैं। तो उन्हीं सब प्रार्थना पत्रों को संज्ञान में लेकर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई और कार्यकारिणी में जो फैसला हुआ है ये अध्यक्ष जी का और सेक्रेटरी का और मात्र एजुकेटिव का फैसला नहीं है, ये पूरा एल्डर कमेटी का और पूरी कार्यकारिणी का सामूहिक रूप से फैसला है, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह है कि वादकारी को न्याय मिले, लोगों का सम्मान हो, बस इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर बार एसोसिएशन मथुरा का गठन हुआ और इन्हीं सब को लेकर ये कार्रवाई
अमल में लाई गई है और इस कार्रवाई को हम टोटल अपने पत्राचार के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय को हम संप्रेषित कर रहे हैं।